अस्सलाम वालेकुम एंड हाय गाइस, आज मैं ट्यूटोरियल 18 के साथ आई हूँ, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को बताऊंगी टाइप्स डिस्क्रिप्शन, स्टिपिंग टाइम एंड वाटर टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट टी, जिसके अंदर मतलब आज डिफरेंट टीज को हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या, कौन कौन सी ये टीज होती हैं, क्या इसकी डिस्क्रिप्शन है, स्टिपिंग टाइम क्या है। स्टिपिंग टाइम वो टाइम होता है जिसके अंदर हमने इसको तैयार करना होता है। फिर उसके बाद वाटर टेम्परेचर है, वाटर टेम्परेचर को भी देखेंगे कि कौन सा वाटर टेम्परेचर होना चाहिए जिस पे इसको तैयार किया जाए। तो आज सबसे पहले जो हम टी को देखेंगे वो है ग्रीन टी, और ग्रीन टी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है चाइना और जापान में, और इससे भी ज़्यादा वो पॉपुलर है वेस्ट में। क्यों? क्योंकि ये जो है ये हेल्दी रखती है इंसान को, इस एक इंसान की जो बॉडी है इससे हेल्दी रहती है। स्टेम किस तरीके की होती है और इस स्टेम से जो है वो ये ग्रीन टी तैयार की जाती है। और इसका अब हम स्टिप टाइम देख लेते हैं। इसका स्टिप टाइम जो है वो 1 से 3 मिनट के बीच में है, और इसका जो वाटर टेम्परेचर है वो 70 सेल्सियस पे होता है। 70 सेल्सियस पे इसको जो है हमने बनाना है, और इसका जो टाइम होता है वो 1 से 3 मिनट तक होता है। अब हम देखेंगे वाइटी को। वाइटी जो होती है वो ऑक्सीडाइज नहीं होती, लेकिन ये जो है ये एक ग्रीन टी की तरह ही होती है। ऑक्सीडाइज ये नहीं होती, मतलब कि ये जो है ये जिस स्टेम से बनती है वो अपना असर इतना ज़्यादा इसके अंदर नहीं छोड़ती, और ये ग्रीन टी की तरह ही बनती है, ठीक है। और ये जो है ये मतलब कि नेचुरल, आप समझ लें कि एक नेचुरल टी है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं होती, तो इसलिए इसको नेचुरल टी भी कह सकते हैं। अब इसका स्टिप टाइम देख लेते हैं। इसका स्टिप टाइम जो है वो है 4 से 8 मिनट, और इसका जो वाटर टेम्परेचर है वो है 80 सेल्सियस। 4 to 8 मिनट इसको जो है वो पकाना है, और 80 सेल्सियस पे इसको जो है वो हमने पकाना है। फिर उसके बाद है अलोंग टी। अलोंग टी जो है वो सेमी ब्लैक टी है, और ये जो होती है ये ऑक्सीडाइज होती है। ये ऑक्सीडाइज होती है मतलब कि ये जो है ये अपने स्टेम का असर ज़्यादा लेती है, ये ज़्यादा ब्लैक हो जाती है, और जो है पीने में भी ये रिच ज़्यादा होती है। और इसका जो स्टिप टाइम होता है वो वेरियस होते हैं, मतलब कि कई तरीके के इसके जो हैं वो मतलब कि स्टिप टाइम होता है इसका। और इसको जो बॉयल करते हैं वो 90 सेल्सियस पे इसको बॉयल करते हैं। इसके बाद है ब्लैक टी। ब्लैक टी जो है वो डिफरेंट ब्लेंडर्स से बनी होती है, ठीक है, क्रिएट की जाती है, और ये जो है ये ब्रेकफास्ट में मतलब कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट में पी जाती है, और ये इंडिया में जो है ये मतलब के पैदावार है, इंडिया की पैदावार है, और लैप्सन सुशोन के नाम से ये चाइना में बनती है, और ये स्मोकी फ्लेवर में वहां पे बनती है, ठीक है। इसका जो प्रोसीजर होता है वो स्मोकी फ्लेवर में वहां पे बनता है। अब हम इसका स्टिप टाइम देख लेते हैं। स्टिप टाइम इसका है 3 to 5 मिनट्स, 3 से 5 मिनट के बीच में ये तैयार होती है, और तब तक इसको मतलब के पकाना है जब तक ये बॉयल ना होना शुरू हो जाए, ठीक है, जब तक ये बॉयल ना होना शुरू हो जाए। और अब जो अगली टी है वो है हर्बल टी। हर्बल टी जो है वो गर्म पानी में बनती है, और इसके अंदर जो है ड्राई फ्रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम्स, लीव्स और रूट्स से तैयार शुदा ये होती है। ये डिफरेंट टाइप्स की होती है, ठीक है, और इसमें मैंने पिक्चर में भी दिखाया है कि कितनी चीज़ें हैं जिससे ये तैयार होती है। ये अलग अलग चीज़ों से तैयार होती है। ये जो है ये एक सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है,
अगर हम हर्बल टी पीते हैं तो इससे हमारी सेहत भी अच्छी होती है। कुछ हर्बल टीज जो हैं वो फ्लू के लिए भी अच्छी होती है, आप कह लें स्टमक के लिए भी अच्छी होती है, और डिफरेंट इसके अंदर चीज़ें आती हैं, फ्लावर स्टेम्स रूट्स ड्राई फ्रूट्स, जिनसे मिलकर जो है वो अलग अलग बॉडी को बेनिफिट्स देते हैं। और आज जो ये हमने टीज के बारे में सीखा है, ये फूड एंड बेवरेज के बंदे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीखना, और एक मैनेजर और सुपरवाइजर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके, और आगे शेयर भी प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू गाइज़।